राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मैं भक्ति और आस्था चैनल की तरफ से आप लोगों की तरह ही एक भक्त अपना पहला ब्लॉग लेकर आई हूँ। मित्रों, मैं बहुत दिन से अपना ब्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा दिन और समय मिल ही नहीं रहा था। लेकिन कल मुझे आखिरकार वो दिन और समय अच्छा मिल ही गया। कल पूर्णिमा की तिथि थी और हर पूर्णिमा की तिथि को मेरे चाचा के घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। लेकिन मुझे ये आइडिया पहले आया भी नहीं, फिर मुझे कल अचानक ये आइडिया आया कि मैं इस पर अपना ब्लॉग भी बना सकती हूँ। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा थी हमारे घर, अब हवन हो रहा है, दिया रखा है, देखिए भगवान यहाँ नवग्रह पेड़े पर नवग्रह बना हुआ है और दिया रखा है, और दिया हमेशा ही अक्षत या फिर फूल के नीचे ही रखना चाहिए। जैसे कि हम जब किसी को बैठाते हैं प्रेम से तो उसको आसन देते हैं, खुद भी आसन लेके बैठते हैं, वैसे ही अगर दिया रख रहे हैं तो उसके नीचे हमें फूल या अक्षत जरूर रखना चाहिए, हमें दिया को आसन जरूर देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि गाना बजाने के साथ साथ हवन हो रहा है, मेरे चाचा और चाची बैठ के हवन कर रहे हैं, पंडित जी हवन करा रहे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ कैसे गाना बजाना का कि हवन हो रहा है, आप देख रहे हैं आरती होने लगी मित्रों। अब मित्रों, आरती हो चुकी थी, सबको आरती का बहुत आनंद आया, सब लोगों ने आरती का बहुत आनंद लिया। अब हमने सब लोगों को बैठा दिया है, मेरे चाचा और चाची खड़े होकर आरती कर ही रहे थे। मेन आरती हो चुकी थी, जय लक्ष्मी रमणा, तो सब लोग बैठ गए थे। अब हम लोग प्रसाद वितरण की तैयारी में लग गए। देख रहे प्रसाद कितना सुंदर लग रहा है, कितना मनमोहक लग रहा है। अब मैं आ गई हूँ अपने चाचा के लड्डू गोपाल के पास, वो लोग चाचा जो हैं वो जो लड्डू गोपाल रखे हैं कितने सुंदर है। देखिए, आपने हमारे घर के माधव की फोटो तो देखी ही होगी, लड्डू गोपाल की, उनके मैंने इतनी वीडियो डालती हूँ। ये मेरे चाचा के घर के लड्डू गोपाल हैं जो कितने सुंदर लग रहे हैं, पालने में फूल लगे हुए, उनके ऊपर एक ही गाना बैठ रहा है अच्छा, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।